ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, दिमागी ताकत बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने में लाभकारी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के चलते सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को मंगलवार को भी कोर्ट में उपस्थित रहना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे सभी बैलेट पेपर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कुल 8 ऐसे बैलेट पेपर हैं जो खराब हालत में पाए गए थे, इसलिए उन पर निशान लगाए गए थे। कोर्ट ने चुनाव में खरीद फरोख्त को लेकर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ में दोबारा मतदान कराए जाने की बजाय जो वोट डाले गए हैं उन्हीं के आधार पर परिणाम जारी किया जाए। यही वजह है कि कोर्ट ने मतपत्रों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आपको विस्तार में बताते हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि उन्होंने उन मतपत्रों पर निशान, टिक और एक्स के निशान क्यों बनाए थे। कोर्ट ने ये पूछते हुए चेतावनी दी कि अगर आरओ ने कोर्ट से झूठ बोलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने आरओ से पूछा, ये बहुत गंभीर मामला है, आप जो कुछ भी कहते हैं यदि कुछ झूठ है तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, आप कैमरे में क्यों देख रहे थे और मतपत्रों पर निशान क्यों लगा रहे थे। इस पर कोर्ट में मौजूद आरओ अनिल मसीह ने जवाब दिया कि वे उन मतपत्रों को मार्क करके अलग कर रहे थे जो गलत पाए गए थे, तभी वहां लगे कई कैमरों में से एक पर नजर पड़ गई थी। मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 मतपत्रों पर निशान बनाए थे केवल उन्हें अलग करने के लिए, लेकिन आरओ के जवाब से सीजेआई संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस पर कहा, आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उन मतपत्रों पर टिक या एक्स को लगा रहे थे, कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों पर टिक या एक्स लगा सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जस्टिस जेबी पार्दीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। ये सुनवाई आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर हो रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के आरोप के बाद मेयर चुनाव पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी को चैलेंज करते हुए कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में खरीद फरोख्त को लेकर भी चिंता जाहिर की। सीजेआई ने कहा, हम खरीद फरोख्त से परेशान हैं, फिलहाल कोर्ट ने मेयर चुनाव में मतपत्र जो वर्तमान में उच्च न्यायालय की कस्टडी में है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। मतपत्रों के साथ चुनाव की पूरी सामग्री और सीसीटीवी फुटेज भी हाईकोर्ट से मंगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, हम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से एक व्यक्ति को नियुक्त करने और कल हमारे सामने सभी रिकॉर्ड जमा करने के लिए कहेंगे। हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे और मतपत्र देखेंगे, तय करेंगे कि क्या करना है। खरीद फरोख का ये पूरा कारोबार जो चल रहा है काफ़ी दिक्कत वाला है। वोटों की गिनती का पूरा वीडियो भी कल दोपहर में पेश किया जाए। सभी दस्तावेज 20 फरवरी दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करने होंगे। सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यकता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। कल रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाए जो पहले से किसी पार्टी से जुड़ा ना हो। चुनाव की आगे की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की निगरानी में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी की सुनवाई के एक दिन पहले दिया था। चंडीगढ़ बीजेपी प्रमुख जितेंद्र मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की। मेयर का ये इस्तीफा उसी दिन आया जिस दिन आपके 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला बीजेपी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर धोखाधड़ी से मेयर बनाने का आरोप लगाया है। आप पार्षद नेहा मुसावत, पूनम देवी और गुरचरण काला दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। मीडिया से बात करते हुए नेहा मुसावत ने कहा, मैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, आपने मुझे मेयर पद का कैंडिडेट बनाने का वादा किया था। जब कुलदीप कुमार को आप कांग्रेस का मेयर कैंडिडेट घोषित किया गया तो मुझे हैरानी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और दलितों के लिए जो किया है उससे प्रभावित हूँ। 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आप कांग्रेस पार्षदों की संख्या 20 से घटकर 17 हो गई है। इनमें से आपके 10 और कांग्रेस के 7 पार्षद शामिल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव में 14 वोट हासिल किए थे। आपके 3 पार्षदों के आने के बाद अब ये संख्या 17 हो गई है। वहीं उनके पास चंडीगढ़ सांसद किरण खेर और शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का समर्थन है। इस तरह बीजेपी के खाते में अब 19 वोट हो गए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं जबकि एक सांसद के वोट के बाद 36 वोट होते हैं। इस तरह बहुमत का आंकड़ा 19 है।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव में मनोज सोनकर ने कुलदीप कुमार के खिलाफ जीत हासिल की थी। तब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने आप कांग्रेस के 8 वोटों को रद्द कर दिया था, साथ ही चुनाव में बीजेपी के जीत की घोषणा कर दी थी। अनिल मसीह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वो बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखाई दिए थे। आप और कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता अरुण सूद ने कहा कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, मेयर उनका ही रहेगा। वहीं गुरचरण काला ने कहा कि वो पहले बीजेपी में थे और कुछ लोगों के साथ गुमराह हो गए थे, अब वो फिर अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। 5 फरवरी को इस कथित धांधली के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई थी। सीजीआई ने इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा था, क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरह चुनाव कराते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। सीजीआई ने कहा था कि कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बर्ताव को देखकर हैरान है, ये साफ है कि बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर हमारी नज़र बनी हुई है, इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।